सरकारी चक्रधरपुर से गुदड़ी थाना क्षेत्र में राशन डीलर की हत्या का एक मामला सामने आया है। बुडुंगकेल गांव की यह घटना बताई जा रही। कांग्रेस का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुका था मृतक जुए लोमगा। चक्रधरपुर के एसडीपीओ सुधीर कुमार ने इस घटना की पुष्टि की। हत्या के बाद दफना भी दिया गया था। उसके शव को नक्सली वारदात से भी नहीं किया जा रहा है इनकार और माना जा रहा है कि शायद मुखबिर होने के शक में इसकी हत्या की गई नक्सली की ओर से। तो इस एंगल से भी पुलिस मामले को आगे लेकर बढ़ रही है और हत्या के बाद शव को भी दफना दिया गया था। तो ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि शायद आपसी रंजिश रही हो किसी मामले को लेकर। लेकिन खबर यही कि प्रखंड अध्यक्ष रह चुका था ये कांग्रेस का और उसके साथ साथ राशन डीलर भी था। तो बड़ी और अहम खबर बुडुंगकेल गांव चक्रधरपुर से, जहां पर राशन डीलर की हत्या का एक मामला सामने आया। कांग्रेस का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुका है। तो राजनीतिक रंजिश या राजनीतिक आप कहें कि लड़ाई भी हो सकती है शायद किसी बात को लेकर। तो कई तरह के एंगल के साथ मामला आगे बढ़ रहा है। राशन डीलर था ये, प्रखंड अध्यक्ष रह चुका था कांग्रेस का ये, मुखबिर होने की वजह से भी शायद हत्या हो सकती है। तो पुलिस के सामने बहुत सारी गुत्थी और सबसे अहम ये कि हत्या करने के बाद उसके शव को दफन भी कर दिया गया था, दफना दिया गया था। और रुपेश इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रुपेश, बहुत सारे एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। राजनीतिक रंजिश भी हो सकती है, राशन डीलर था तो हो सकता है किसी के साथ बहस हुई हो, कोई रंजिश हो, और मुखबिर का भी यहां पर मामला मानकर चला जा रहा है। किस तरह की बातें सामने आ रही निकलकर, पुलिस प्रथम दृष्टया क्या मान रही है और इसके अलावा किन किन बिंदुओं के साथ वो जांच को आगे बढ़ा रही है? जी पंकज जी, ये जो घटना हुई है ये पश्चिमी सिंहभूम जिला का जो काफी सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, गुदड़ी प्रखंड गुदड़ी थाना क्षेत्र के बुडुंगकेल गांव में ये घटना हुई है और ये घटना कल रात की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस शव बरामदगी के प्रयास में है। जैसा कि बताया जा रहा है कि हत्या की घटना को रात को अंजाम देने के बाद उसके शव को दफना भी दिया गया है और पुलिस फिलहाल शव बरामद करने के लिए वहां गई हुई है। हत्या की क्या वजह है, क्या कारण है, ये अभी पुलिस के सामने स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि हमारे सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही है उससे फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि ये कुछ बातें ऐसी भी आ रही है कि जमीन विवाद का मामला है। दूसरी ओर ये घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र की घटना है, इसलिए ये नक्सल संबंधित घटना भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये पुलिस इस बारे में कोई स्पष्ट नहीं कर रही है कि ये नक्सल घटना है। रुपेश, एक अहम सवाल आपसे और बहुत छोटा सा सवाल, संक्षेप में जवाब चाहेंगे कि दफना दिया गया था शव को, दफन कर दिया गया था, हत्या के बाद दफनाने वाले कौन लोग थे? क्या परिवार के लोग थे? और परिवार के लोग थे तो पुलिस के पास क्यों नहीं पहुंचे और पुलिस के पास ये मामला पहुंचा कैसे? पुलिस को आज ये सूचना मिली, कल रात की घटना है। शव को किसके द्वारा दफना दिया गया था ये भी अभी पुलिस तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। और ये जो क्षेत्र है पंकज, ये नेटवर्क एरिया से भी कटा हुआ क्षेत्र है। गुदड़ी थाना क्षेत्र या प्रखंड क्षेत्र के काफी कम जगह, जो कि गुदड़ी प्रखंड मुख्यालय के आसपास 2-3 किलोमीटर का रेडियस, या लोढ़ाई जहाँ सीआरपीएफ कैंप है वहां से 2-3 किलोमीटर का रेडियस में ही टेलीफोन नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क है बीएसएनएल का। उसके अलावा अन्य जो भी क्षेत्र है वो नेटवर्क से भी पूरी तरह कटे हुए हैं, इसीलिए पुलिस को भी इस तरह की घटनाओं में यहाँ सूचना मिलने में लेट होती है। और उसके बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पुलिस घटनास्थल तक जाकर शव बरामदगी करने में भी काफी सतर्कता बरती है। परिजनों ने संपर्क नहीं किया पुलिस अभी तक? परिजनों ने सूचना मिलने के बाद पुलिस वहाँ सौभाग्य के लिए गई हुई है, लेकिन अभी वजह क्या है और किसके द्वारा जैसे शव दफना दिया गया था ये बातें अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। और ये इसे स्पष्ट होने में अभी समय लगेगा क्योंकि ये क्षेत्र काफी दूर है, जैसे चक्रधरपुर मुख्यालय से करीब 150 किलोमीटर दूर ये घटनास्थल है, दुर्गम इलाका। बिल्कुल रुपेश, तो आप नजर बना रहे हैं और जो भी अपडेट आता है वो हम तक फटाफट पहुंचाए ताकि हम दर्शकों को इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश, आप हमारे साथ जुड़े। तो बड़ी अहम खबर चक्रधरपुर से, जहां पर एक राशन डीलर जो कि कांग्रेस का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष था, उसकी हत्या और हत्या करने के बाद उसके शव को दफन किए जाने का एक मामला सामने आया है।